अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू पाक पंजाब व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के सूबा पंजाब में मौजूद एक बहुत बड़े रेगिस्तानी इलाके के बारे में बताऊंगा। फ्रेंड्स, ये सूबा पंजाब में मौजूद बहुत बड़ा रेगिस्तान है जिसे हम थल का रेगिस्तान कहते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस तरह रेगिस्तान, हर तरफ रेत और रेत फैली हुई है। तो इंशाल्लाह आप ये देखेंगे, बहुत हैरान कुन तौर पे ये जाना जाता है इलाका। तो ये देखें, हम विजिट कर रहे हैं इधर, तो बहुत ज़्यादा रेत फैली हुई है और बहुत ज़्यादा खुश्की है। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो को देख रहे होंगे। उम्मीद है आप इस वीडियो को एंजॉय करेंगे। फ्रेंड्स, इधर बारिश नहीं हुई, अगर बारिश हो जाती तो बहुत अच्छा माहौल बन जाता, बहुत अच्छी रौनक लग जाती, लेकिन इस वक्त बारिश नहीं हुई तो बहुत डल व्यू नज़र आ रहा है। वो दूर दूर पौधे हैं, बड़े बड़े दरख्त, अगर कोई इक्का दुक्का है तो बहुत दूर है, कोई बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, किस तरह खुश्की है हर जगह फैली हुई, पानी का नामो निशान नहीं है। ये देख सकते हैं पौधा किस तरह खुश्की पे खड़ा हुआ है, पानी का दूर दूर तक कोई निशान नहीं है। ये बहुत डरावना पौधा नज़र आ रहा है। जब हम इसके नीचे गए तो डर लग रहा था कोई चीज़ ना हो इसमें। ये पौधा है करी का पौधा, करी के नाम से जाना जाता है। ये बहुत डरावना पौधा होता है, बहुत घना। ये देखें, ऊंचे ऊंचे टीले हैं फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ रेत के हैं। और इधर इक्का दुक्का जानवर पाए जाते हैं, छोटे रींगने वाले, चलती है तो रेत के जरिए ना एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है।
आस्ता आस्ता रेत कितनी आप अंदाजा लगा सकते हैं, चलना बहुत मुश्किल है इधर। यहाँ तो फोर व्हीलर गाड़ी होनी चाहिए, जो फोर एक्स होते हैं। Gracias.
आगे नजर आ रहा है साइड में बोर बोरिंग सिस्टम, ट्यूबवेल लगा रहे हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। ये देखिए फ्रेंड्स, ट्यूबवेल लगा रहे हैं, ये मशीनरी पड़ी हुई है। यहाँ ये सिस्टम है इनका, इसके जरिए ये ट्यूबवेल लगाते हैं नीचे। ये लिफ्टर है, लिफ्टर लिफ्ट करते हैं वो जो पाइप होते हैं जमीन में लगाते हैं इनके जरिए। ये फ्रेंड्स यहाँ भी बहुत ज्यादा गहराई पे है, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो।